पेपर अच्छा निकाला था ना धनश्री ने, धनश्री आप ही ने निकाला था ना पेपर कल का, चैट कर सकते हो आप। मेरा आवाज आ रहा है अभिनव? यस मैम। ओके गुड आफ्टरनून। चलो हम स्टार्ट करते हैं, 40 मिनट्स है ना, तो उसमें कुछ नहीं होगा तो फिर टाइम जाएगा। आज ये चैप्टर होता है क्या देखते हैं, कंप्लीट करते हैं, थोड़ा फास्ट लेती हूँ। ये आपको सबको मालूम है ना लेसन नंबर 15 और 14। 14 तो और भी छोटा है, 14 का 14.5 ही है, उसके नोट्स भी आपको मिलेगी। आप 14.5 उसमें से आपको इतना ही टॉपिक पढ़ना है यार सबको, 14.5 का इकोलॉजिकल सक्सेशन। कल मुझे नम्रता ने मैसेज किया था, वो हार्ट का जो ट्रांसप्लांट है ना वो नहीं है, तो मैंने उसको बोला था डिलीटेड में देखो, तो वो डिलीटेड में है ना, रियली डिलीट है ना वो टॉपिक, आपने देखा? मैंने 2-3 बार आपको डिलीटेड टॉपिक का ये भेजा है पीडीएफ, या तो वीडियो भी भेजा है, अभी मेरे पास नहीं था वो, मैंने नोटबुक में नोट डाउन किया है। हाँ यस ओके ओके। तो चलो हम लोग ये लेसन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यू, तो लेसन से ही मालूम पड़ता है कि हमें इसमें एक्चुअली क्या पढ़ना है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो वेरिएशन दिखाते हैं, तो व्हाई दैट ऑर्गेनिज्म शो वेरिएशन, और अगर वो वेरिएशन है तो हमें उनकी जरूरत है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन करते टाइम या तो बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करते टाइम कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, और व्हाट दैट प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड एज ए एनवायरमेंटल इश्यू। ऐसा क्यों प्रॉब्लम आता है? बिकॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग एक्चुअली बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन हमने देखा ना, तो देखो अगर हम माउंटेन और हिमालय रीजन में जाके रहेंगे तो वहां पे कहीं पे भी बायोडायवर्सिटी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, वहां पे कहीं पे भी कंजर्वेशन को कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। कंजर्वेशन को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? देखो अभी हम बचपन में ना, आप लोग भी यहाँ पे रहे होंगे या तो बचपन से आपने देखा होगा, तो हम जिस एरिया में रहते हैं सिडको एरिया में, अगर कोई बोईसर का ऑनलाइन ज्वाइन है तो वो हमें बता सकता है विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे ये पूरा जो ओसवाल बना है ना, ये पहले एक बहुत बड़ा चीकू का वाड़ी था, इसे बहुत ही बड़ा चीकू का वाड़ी था, और इतने अच्छे से प्लांट्स रहते थे। अगर हमने आपको बताया तो आपको ये बिलीव नहीं होगा कि मैडम ये कैसे बता रहे हैं आप, तो लेकिन आपके पापा या किसी को होगा तो मालूम होगा कि अरे हाँ यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स थे। उसका और एक एग्जांपल, अभी आप 5-6 महीने से बाहर तो नहीं निकले, लेकिन इस रोड में, बोईसर रोड में ना बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स थे पहले, लेकिन अभी कल परसों मैंने देखा तो पूरा बनियान ट्री कट करके पूरा रास्ता ऐसा पूरा पूरा धूप आ रहा था। तो अभी हम धूप देखते हैं तो और 2-3 साल, 4-5-6 साल के बाद जिसने बोईसर देखा होगा, न्यूली बॉर्न चाइल्ड रहेगा, तो उसे क्या लगेगा? हाँ बोईसर तो ऐसा ही है, जैसे हम दादर में जाके देखते हैं देखो, या चर्चगेट में जाके देखते हैं, वहां पे प्लांट्स दिखते ही नहीं है, जमीन भी नहीं दिखती, क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन हो गया है कि वहां पे प्लांट्स को मेंटेन किया ही नहीं जा सकता। ऐसा क्यों हुआ फिर मैडम, वहां पे ऐसा क्यों है और हिमालय और माउंटेन रीजन में क्यों नहीं? तो आप खुद ही हमें आंसर करेंगे कि जहाँ पे जॉब फैसिलिटी रहेगी वहां पे इंसान चला जाएगा। तो पैसे क्या होता है, सपोज 4 रुपीज जहाँ मिलने वाले हैं, बराबर है, और जहाँ 1 रुपीज मिलने वाला है, तो इंसान क्या सोचेगा कि मुझे 4 रुपीज मिलेंगे तो मैं मेरी बेसिक नीड को इंक्रीज करूंगा। एक्चुअली ह्यूमन की बेसिक नीड है क्या, वही ह्यूमन को नहीं मालूम। अभी देखो आपका 5-6 महीने से कॉलेज नहीं हो रहा है, इससे आपको कितना सीखने मिला कि कॉलेज बिना अटेंड किए मुझे बोर्ड का पेपर देना है। तो आपने जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की होगी वो, और 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई, उसमें इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन तो भी आप 12th का एग्जाम देने वाले हो, आप कॉलेज में नहीं गए तो भी आप उतना ही पढ़ाई कर रहे हो। तो दिस शोज दैट कि एजुकेशन से भी इम्पोर्टेंट और कुछ फैक्टर है जीने के लिए, कि घर बैठे भी पढ़ाई हो रही है हमारी, इसका मतलब मेन क्या है हमारे लिए जरूरी, तो हम कैसे जिंदा रहते हैं, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत है, दूसरा हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये सब फूड है, ये सब ऑक्सीजन है, ये सनलाइट है, हमको अगर 24 घंटे
दिन से रात पूरे दिन भर या रात भर रात में अंधेरे में रखा जाए तो हम लोग नहीं रहेंगे। तो हमारे ये बेसिक नीड्स है और इसे मेंटेन करना है, इसलिए ये टॉपिक 12th स्टैंडर्ड में दिया गया है। तो जस्ट डायरेक्ट में यहाँ पे दिया, देखो यू हैव लर्नड अबाउट चिपको मूवमेंट एंड एफर्ट्स ऑफ श्री 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 जादव पेंग इन स्कूल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सच एक्टिविटीज। तो यहाँ पे क्या कहा है कि तुमको, आप सबको ये मूवमेंट के बारे में मालूम है, प्लांट्स को इतना लव करते थे वो फीमेल्स चिपको मूवमेंट या अपिको मूवमेंट में। अभी मुझे ये स्कूल में ये मूवमेंट के बारे में नहीं मालूम, देखना पड़ेगा। तो ये जो मूवमेंट उन्होंने क्यों रिकॉल किया है कि पूरा उनके बच्चों को भी, वो जो राजा था, किंग था, उसके आर्मीज ने आके मारा, फीमेल्स को भी किल किया, डेथ की उनकी, लेकिन दे आर लविंग सो मच टू द प्लांट। Why they are living? Because they know their life is dependent on plant. अगर आजू बाजू में प्लांट नहीं रहेंगे तो उनको कुछ नेक्टर नहीं मिलेगा, उनको कुछ फूड नहीं मिलेगा, वो उन्हें मालूम था। Why should we have national parks and sanctuaries? ऐसा क्यों है हमें national parks और sanctuaries क्यों maintain करना पड़ रहा है, bird sanctuaries? तो क्यों कर रहा है? क्योंकि आजू बाजू के प्लांट्स कट हो गए, ह्यूमन बींग्स अपना कंस्ट्रक्शन बनाते जा रहा है, ह्यूमन बींग्स उस लैंड को एक्वायर कर रहा है, तो कोई ना कोई लैंड गवर्नमेंट उसे ऑथराइज रख रही है और उसे डिक्लेयर कर रही है दिस इज नेशनल पार्क, डोंट इंटरफियर इन दिस। सच एज संजय गांधी नेशनल पार्क, आप सबको मालूम है बोरीवली में है, अच्छा लगता है वो, करनाला बर्ड सेंचुरी यहाँ पे मुंबई में ही थोड़ा पास में है। तो ये सब आपको मालूम है क्या? तो इस चीज को उन्होंने कहा है, दैट इज, और भी उन्होंने देखा है, वी हैव रीड अबाउट द इंडियन साइंटिस्ट वॉन द बैटल फॉर पेटेंट ऑफ टर्मेरिक। देखो मैंने सोचा भी नहीं था मैं आज इसके बारे में बताऊंगी, मैंने सोचा था जल्दी जल्दी लेसन कंप्लीट करूंगी, पर मेरा माइंड रहता ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, पेटेंट ऑफ टर्मेरिक एंड बासमती राइस, मालूम है इनका नाम, ये जो पेटेंट मिला मिलवा के दिया, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत ही मतलब महाराष्ट्र मतलब इंडियन साइंटिस्ट है वो, और वो इंडियन साइंटिस्ट ने क्या किया, इतना उनका होल्ड है उसके ऊपर, और उन्होंने ये पेटेंट अमेरिका से ले लिए, इसके ऊपर अमेरिका ने पेटेंट लिया था। पेटेंट लेने का मतलब क्या, हल्दी हमारे घर में ही मतलब इंडिया की ओरिजिन है, बासमती राइस इंडिया का ओरिजिन है, लेकिन इसके ऊपर यूएसए ने पेटेंट लेके उसका नाम चेंज किया, इसको कहा कासमती, बासमती की जगह कहा गया है कासमती। और जब वो प्लांट को अगर इंडिया में कल्टिवेट करना होगा तो इंडिया हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ मनी टू अमेरिका, तो इसको कहते हैं एक प्रकार का पेटेंट मतलब ब्रेन ड्रेन करवाना। तो हमको क्या होता है, हमारा ही नॉलेज हमें नहीं मालूम, जैसे वो कस्तूरी मृग कहते हैं ना हिंदी में, कि उसे नहीं मालूम रहता कि मेरे ही पास वो कस्तूरी है, मुझे मेरी बॉडी से फ्रेग्रेंस आ रहा है, लेकिन वो फ्रेग्रेंस ढूंढते ढूंढते यहाँ वहां रहते है। तो वैसे ये दो प्लांट के ऊपर यूएसए ने पेटेंट लिया था, तो हमारे हर चीज में हल्दी है, देखो मेडिसिन में है, घर में बनाने के लिए, तो सबसे ज्यादा उसका रोल इंडिया में होता है, और उसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, तो जहां पे भी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनता होगा तो उसके जो भी सपोज 0.1 पैसा भी होगा, तो अगर वो पैसा एक बॉटल के ऊपर जाता होगा तो अमेरिका को अपना बहुत सारा पैसा, अपना इंडिया का ही नहीं, वैसे ही बाकी की भी कंट्री भी है, सपोज बांग्लादेश है, नेपाल है, साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, ये सब कंट्री को उनको उसके लिए पैसा देना पड़ता था। तो ऑटोमेटिकली इसके लिए उन्होंने फाइट किया, मेरे पास अभी वो साइंटिस्ट का नाम माइंड से निकल गया, मैं कल बताती हूँ आपको, और शायद अभी आ जाए तो भी, जयंत नाड़ेकर नहीं, एक्चुअली वो रघुनाथ माशेलकर। हाँ देखो, तो रघुनाथ माशेलकर जो है, थोड़ा टाइम मेमोरी से गया था, तो रघुनाथ माशेलकर है, उन्होंने ये पेटेंट मिलवाया टर्मेरिक और बासमती राइस का। And why was gaining this patent essential? क्यों essential है? क्योंकि इतना सारा पैसा जाएगा तो जरूरी अपने ही प्रॉपर्टी होके भी हम दूसरे को क्यों दे? तो हमें सेल्फ, एक्चुअली मालूम है स्टूडेंट्स, टीचिंग का मेन रोल क्या है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, आप इतने सेल्फ एस्टीम हो जाओ ना कि कभी कभी आप में इतना मतलब ईगो आना चाहिए कि मैं रेगुलर लेक्चर अटेंड करता हूँ, मैं नोट्स बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं क्यों उसको दू, उसने भी रेगुलर लेक्चर अटेंड करना चाहिए। इसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम या सेल्फ ईगो, क्यों मैं ही इतना सब कुछ करूं, उसका कब डेवलप होगा, नहीं तो वो डिपेंडेंट ही रहेगा सामने वाला। आप में से जो आप रेगुलर स्टूडेंट्स अटेंड करते हो ना, देखो कितने हैं अभी, आज 16 है,
तो जितने ये 16 अटेंड करते हैं ना, इनको बाकी के 70 जो भी 40-50 स्टूडेंट्स रहेंगे ना, वो श्योरली बोर्ड के टाइम कांटेक्ट करेंगे और तब पूछेंगे हमें दे दो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। लेकिन हमारा नेचर एक्चुअली ऐसा होना, सब स्टूडेंट्स ऐसे डेवलप होने चाहिए कि नहीं, तूने नहीं पढ़ाई किया है ना, मैं तुझे हेल्प नहीं करूंगा। बोर्ड में भी तूने पढ़ाई किया होगा तो ही तेरा पढ़ाई तेरे पास, मेरा पढ़ाई मेरे पास। अगर हमें ऐसा सेल्फ एस्टीम आ जाए ना, तो सब लोग इंडिविजुअल काम करेंगे, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। और फिर डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होगी, कुछ रिमार्क करने की जरूरत नहीं होगी, कुछ प्रेजेंट लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली आएगा ना वो, जैसे आप में आया 16 स्टूडेंट्स में। वॉट इज इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन? तो इन सीटू मतलब इन साइड, मतलब इंटरनल कंजर्वेशन क्या होता है और एक्सटर्नल, वो बताएंगे इन सीटू और एक्स सीटू किस तरह के रहते हैं। तो जैसे इन नेशनल पार्क हो गए, तो ये सब इन सीटू कंजर्वेशन मतलब। और आर्टिफिशियली हम बॉटेनिकल गार्डन बनाएंगे, हम एक स्पेस लेंगे, हम एक लैंड लेंगे और वहां पे कुछ प्लांट्स को कल्टिवेट करेंगे, तो दैट इज एक्स सीटू। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन हो गया, तो फास्टली पढ़ाती हो अभी इस तरह। मतलब देखो, ये सुनने से हमें लगता है ना कि अरे हमारी कंट्री, और हमारा कंट्री है ना, मतलब इंडिया विच शो डाइवर्सिटी, सो मच डाइवर्सिटी, वेरिएशंस है, और इसलिए वैरायटी ऑफ प्लांट्स अपने कंट्री में आते हैं। तो इसके लिए एक्चुअली फॉरेन कंट्री के पीपल्स अट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी के प्लांट्स अपने पास है, एनिमल्स वैरायटी अपने पास है, तो मेनी पीपल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस वैरायटी और वेरिएशन। फॉर व्हाट पर्पस? दैट इज टू गेन द मनी फॉर इकोनॉमिकल पर्पज, फॉर अदर डेवलपमेंट, फॉर रिक्रिएशन, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। तो सबको थोड़ा एंटरटेन, देखो आप दिन भर मोबाइल, मतलब लेक्चर ऑनलाइन सुनेंगे तो आपको कभी इतना कंटाला आएगा, लगेगा कि ये मोबाइल नहीं चाहिए, मैं थोड़ा देर आराम करता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, मुझे कोई फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने के लिए जाना चाहिए, ऐसा आपको लगेगा। तो थोड़ा फास्ट लेती हूँ हाँ अभी। तो डायवर्सिटी इज वराइटी, दिस वराइटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज ए बायोडायवर्सिटी। तो वैरायटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इसलिए उसे कहा है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी इंक्लूड वास्ट एरिया ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रो, उसमें क्या क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैरायटी है, मतलब किस में वैरायटी है, वायरस में, अल्गी में, फंगाई में, प्लांट में, एनिमल में। ऑकरिंग ऑन अर्थ, अभी हमको तो अर्थ पे ही मालूम है, लेकिन अगर हमने एयर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया, तो एयर में मेनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खुद एयर ही मिक्सचर ऑफ गैसेस है, खुद एयर ही वैरायटी दिखाती है। अगर सैंड को लिया जाए तो सैंड में भी देखो, सैंडी, लोमी, क्ले, मडी, सैंड के इतनी सारी वैरायटी आती है। फिर उसके बाद अल्गी में लिया, अल्गी में आता है नॉस्टॉक आता है, एनाबेना आता है, स्पायरोगैरा आता है, अल्गी के ही बहुत सारी वैरायटी, तो आप सबको मालूम है। आइदर इन वाटर ले लो, आइदर ऑन लैंड ले लो, आइदर इन टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट, सो इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर पार्ट। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी है। डाइवर्सिटी इज विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, शेप, अभी म्यूट करो, शेप, कलर, फॉर्म, मोड एंड न्यूट्रिशन। सो टाइप ऑफ हैबिटेट, किसके ऊपर डाइवर्सिटी होती है, देखो कभी किसी का शेप, सबको अभी विजुलाइज हो गया हमको क्या टॉपिक पढ़ना है वो, पता समझ में आया आप सबको? अगर मैंने शेप बोला तो आपको प्लांट का छोटा छोटा सा क्लाइंबर से लेके बड़ी ट्री सामने याद आने चाहिए, मैंगो जैसे, तो उसको हम शेप कहेंगे। या तो उसी टाइम आपको एनिमल का एग्जांपल याद आना चाहिए, अमीबा से लेके इलिफेंट तक, तो इसका मतलब शेप आएगा। कलर भी देखो, जेब्रा का देखो या किसी और एनिमल का, लायन का, टाइगर का, तो उन्होंने कलर कहा है। फॉर्म ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कोई ऑटोट्रॉपिक है, कोई हेटरोट्रॉपिक है, आप मुझे कुछ चैट करेंगे तो समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आपको क्लियर हुआ कि इंट्रोडक्शन से हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कि वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी क्यों है और वो डाइवर्सिटी कौन कौन से टाइप के, वो पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में उसका कंजर्वेशन लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, मोटिलिटी, कौन किस तरह से मूव होता है, कोई बाइपेडल है, कोई क्वाड्रापेडल है, किसी को पेडल ही नहीं है, जैसे स्नेक है। ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल, किसी का लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट है, 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, एनुअल, बाइनुअल, पेरिनियल, या तो हम कहते हैं किसी का लॉन्ग लाइफ है, तो चेंज इन लाइफ साइकिल स्पैन। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द अटेम्प्ट ऑफ लिविंग बींग्स टू अकोमोडेट विद डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। तो उन्होंने, उनका कहना है, ये टेक्स्ट बुक वालों का कहना है, हाँ, व्हाई दे आर सेइंग दिस, तो उनका ये क्यों कहना है, दैट इज द सिचुएशंस, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से। अगर फिश पानी में रहेगा
तो फिश का पानी में रहने का ड्यूरेशन फिक्स होगा एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, वो कितने दिन तक रह सकता है, कितने उसकी ऑक्सीजन लेइंग कैपेसिटी रहेगी उसके ऊपर, लाइक द क्लाइमेटिक इफेक्ट, द टोपोग्राफिक, जियोग्राफिक एक्सेट्रा, द सिचुएशन सोलली ऑफ सर्वाइवल। अब मैं फास्ट रहती हूँ, थ्री मार्क का बनाएंगे ना तो भी चलेगा, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा, मुझे किसी को बोलना पड़ेगा। नम्रता ने भी बनाया, नम्रता आपने बनाया कभी पेपर? एंड रिचनेस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एट डिफरेंट स्केल इन अ स्पेस, लोकल रीजन, कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक विद इन अ डिफाइंड एरिया। तो जैसे डिफाइंड एरिया का मतलब क्या, एक पर्टिकुलर है, सपोज बोईसर ही लिया तो बोईसर ही पर्टिकुलर टेरेस्ट्रियल एरिया, लेकिन बोईसर के छोड़ के चिंचनी एमके जूनियर कॉलेज में जाना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे प्लांट का वैरायटी चेंज होता है। देखो तो एट अ पर्टिकुलर एरिया का वैरायटी ऑफ द प्लांट्स, रिचनेस ऑफ द प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स, दे हैव लोकल रीजन, ऑल दैट आर इंक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी, स्टडी ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। बायोडाइवर्सिटी का वर्ड किसने कॉइन किया, दैट इज वाल्टर रोसेन। ये आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन तो भी एक मालूम होने के लिए हमें ये दूसरा क्वेश्चन। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी दैट वी सी टुडे इज आउटकम ऑफ ओवर ऑफ 3.5 बिलियन ऑफ ईयर्स, तो अभी का नहीं है, नियरली 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा एक अजम्पशन है, क्योंकि अजम्पशन बेसिस पे ही ये थीसिस चल रहा है। ये जो भी पॉइंट दिए है, ये आउटकम जो दिया है ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन या थीसिस या तो लॉजिकल बेसिस पे है। तो बायोडायवर्सिटी उनका कहना है जो गवर्नमेंट ने सिलेबस में अपने जो दिया है बाय अथॉरिटी ऑफ स्टडी ऑफ साइंटिस्ट, कि नियरली 3.5 बिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मेनली इन्फ्लुएंस बाय नेचुरल प्रोसेस एंड ऑफ लेट बाय इन्फ्लुएंस ऑफ द ह्यूमंस। तो इसमें बायोडायवर्सिटी में वेरिएशंस कब से हुआ, नियरली ऑफ 3.5 बिलियन ईयर्स ऑफ एगो, और ये जो नेचुरल प्रोसेस है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो नाउ इन दिस चैप्टर, अब देखो इसमें एक दो पॉइंट अभी रियली क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी, नॉर्मल कंसेप्ट है, उसके क्या लेवल है तो हमें समझ में आएगा कि बायोडायवर्सिटी मतलब क्या है। फिर उसके लेवल्स क्या, कौन से पैटर्न कौन से है, पैटर्न मतलब उसके टाइप्स कैसे एक्चुअली, फिर एक्सपेंस उसका क्या एक्सपेंस है, फिर उसका इम्पोर्टेंस क्या है, फिर उसका लॉस कैसे होता है बायोडायवर्सिटी का, अगर लॉस हुआ तो हमें उसे कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए और क्या मेथड्स करने चाहिए कंजर्वेशन की, क्या इफर्ट्स लेने चाहिए उस बायोडायवर्सिटी, उस प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए। सो मोस्टली द बायोडायवर्सिटी जो दिया है यहाँ पे दैट इज रेंजिंग फ्रॉम द मॉलिकुलर इकोसिस्टम लेवल टू मेजर हायरार्चियल एंड इंटर रिलेटेड लेवल आर जेनेटिक डाइवर्सिटी, द स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इन्होंने डाइवर्सिटी के थ्री टाइप्स दिए हैं। अभिनव, अभिनव अभिनव एम आई ऑडिबल? ओके, आप एक काम करो, अनम्यूट करने का ये करो, प्रोसीजर डालो उसमें अनम्यूट करने का।
और शांभवी आप ये टॉपिक रीडिंग करो, शांभवी टेक्स्ट बुक है आपके पास, साक्षी या शांभवी, उसके बाद में जिसको भी कहूंगी उसको रीड करना है, जेनेटिक डाइवर्सिटी सबका ध्यान होना चाहिए हाँ वहाँ पे। हाँ ओके, कौन है वहां पे साक्षी शांभवी, स्टार्ट रीडिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। जल्दी, इट विल टेक टाइम। ओके आप आउट हो तो कौन रीड करेगा। मैं किसी को जान, गायत्री तू रीड करेगी, कोशिश कर। यस गायत्री, जस्ट ट्राई जेनेटिक डाइवर्सिटी जल्दी, यस और नो रिप्लाई दे दो ताकि मैं फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ। ओके स्टार्ट करो फिर। यस और अभी कल से थोड़ा थोड़ा आप सब इंटरेक्ट होंगे हाँ लोग, बराबर है, स्टार्ट करो गायत्री। यस गायत्री, आपका मोबाइल का नेटवर्क का इश्यू है एक्चुअली। ओके गायत्री आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है थोड़ा, एक मिनट हाँ गायत्री सॉरी, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली, वो नेटवर्क का इश्यू है ना इसलिए। कल मुझे खुद से बताओ आप कि इसका नेटवर्क का इश्यू नहीं रहेगा ना तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं पढ़ाती हूँ देखो, फर्स्ट वन जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में आएगा इंटरा कहाँ है, देखो थ्री डाइवर्सिटी दिए उन्होंने यहाँ पे, जीन बेसिस पे जो रहेगा वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज बेसिस पे रहेगा वो स्पीसीज डाइवर्सिटी, और थर्ड जो है इकोलॉजिकल इकोसिस्टम बेसिस पे जो रहेगा वो इकोलॉजिकल। तो मैं तीनों इन शॉर्ट बताती हूँ। जेनेटिक का मीनिंग क्या आता है कि जो एलील जीन जेनेटिक वेरिएशंस जो है, जेनेटिक वेरिएशंस रहेंगे उसके क्रोमोसोम में चेंजेस आएंगे, उसके कुछ मतलब अंदर के जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है उसमें जो वेरिएशन आएगा वो पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन ट्रांसफर होगा, तो दैट डायवर्सिटी इज कॉल्ड एज ए जेनेटिक डायवर्सिटी। तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ सब स्पीसीज रेसेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक डायवर्सिटी, तो ग्रेटर द डायवर्सिटी बेटर वुड बी सबटेनियंस ऑफ अ स्पीसीज, यू नो अबाउट 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगोज एंड 50,000 वैरायटीज ऑफ राइस एंड व्हीट इन इंडिया। तो ये सब 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगो आए मतलब क्या, मैंगो एक ही होना चाहिए था लेकिन मैंगो की 1000 वैरायटीज क्यों आई, क्योंकि उसमें जेनेटिकल चेंज हुआ। तो ये उन्होंने जेनेटिकल एग्जाम्पल दिया है, और अनादर एक एग्जाम्पल अच्छा दिया है मेडिसिनल प्लांट राउल्फिया वोमिटोरिया। मालूम है अभी जो कोरोना वायरस है ना उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये स्पीसीज बहुत अच्छे से यूज होती है, उसको राउल्फिया सरपेंटिना बोलते हैं, मराठी में उसको अश्वगंधा बोलते हैं। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है राउल्फिया वोमिटोरिया, विच इज सिक्रेट्स द एक्टिव कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज ए रेस्प्राइन, इट इज फाउंड इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस। तो ये प्लांट हिमालयन रेंजेस में मिलता है, तो मैंने इवन दो हाँ यस हो अलग लक्षत हो यस गायत्री, तो दिस प्लांट शोज द वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल एंड लोकेशन टू लोकेशन। तो जेनेटिक वेरिएशन के दो तीन एग्जाम्पल दिए हमको, जैसे 50,000 स्पीसीज ऑफ राइस एंड व्हीट वैरायटी है, तो हम लोग एक्चुअली इश्यू करते हैं हमको चाहिए बासमती कासमती ये सब वैरायटी हमको चाहिए, पेट भरने के लिए राइस में न्यूट्रिएंट होने चाहिए, तो न्यूट्रिएंट हम लोग रत्ना जो राइस रहता है वो भी लेंगे तो भी चलेगा। तो कितने सारी वैरायटी है, नियरली 50,000 वैरायटीज ऑफ स्पीसीज है, और मैंगो की भी देखो तो न्यूट्रिशनल वैल्यू देने वाले फूड को यूज करना है और उसका जीन को मेंटेन करना है, लेकिन वी हैव टू मेंटेन द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड दैट इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे दूसरा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी में क्या आता है, देखो स्पीसीज डाइवर्सिटी में स्पीसीज चेंज होते हैं, तो स्पीसीज का एक पहले बताने के लिए इंटर स्पेसिफिक बिटवीन स्पीसीज है, इंट्रा मतलब सेम सेम है लेकिन उनमें चेंज है, सेम मतलब जैसे मैंगो एक ही वैरायटी है
लेकिन उसमें बहुत सारी चेंजेस आई, तो इसको हमने नाम दिया इंटरा स्पेसिफिक। मराठी त्याला आपण म्हणूया एका जातीतले, म्हणजे जसं मी तुम्हाला मराठी मराठी म्हटलं तर एक जात आली, सपोज आपण म्हणूया गुजराती गुजराती तर दुसरी आली, तर मराठी आणि गुजराती मिळून जे होणार दॅट इज कॉल्ड एज अ इंटर स्पेसिफिक ए कॉमनली। म्हणजे काय, दीज आर प्रेझेंट इन द रिजन कॉन्स्टिट्यूट ऍट स्पीसीज डायव्हर्सिटी, सम एरियाज ऑर रिजन्स आर रिचर इन स्पीसीज दॅन द अदर रिजन। म्हणजे तेच म्हटलं ना की एखाद्या मराठी मुलीला गुजराती येणार नाही, गुजराती मुलीला मराठी येणार नाही, पण दोघांचं कॉम्बिनेशन होईल आणि दॅट इज कॉल्ड एज अ स्पीसीज डायव्हर्सिटी दॅट डील्स विथ अ व्हरायटी ऑफ द स्पीसीज, स्पीसीज रिचनेस एज वेल एज नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल ऑफ डिफरंट स्पीसीज। फॉर एक्झाम्पल म्हणून कोणते दिलंय बघा, एम्फिबियन स्पीसीज डायव्हर्सिटी इज मोर इन वेस्टर्न घाट दॅन इन द ईस्टर्न घाट स्पीसीज। तो इंडियाच्या वेस्टर्न घाटला एम्फिबियन स्पीसीज जास्त आहेत आणि दुसरे घाट कोणतं सांगितलंय सांगा पाहूया, दॅट इज द ईस्टर्न घाट। तो ईस्ट आणि वेस्ट आहे ना, इंडियाच्या ईस्ट साईडला कम्पॅरेटिव्हली एम्फिबियन स्पीसीज नाही, कमी कमी व्हरायटी आहे त्यांची। सो नॅचरल दोन एरिया वेगळे वेगळे पकडले, टू डिफरंट एरिया लिया, तो नॅचरल अनडिस्टर्बड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हॅव मच ग्रेटर स्पीसीज रिचनेस दॅन द मोनोकल्चर प्लांटेशन ऑफ टिम्बर प्लांट। तो कभी कभी एक ही प्लांट्स को कल्टिवेट किया जाता है, दॅट इज कॉल्ड एज अ मोनोकल्चर। सपोज नीलगिरी प्लांट को कल्टिवेट किया, तो नीलगिरी प्लांट का कल्टिवेशन से हमें जो कल्टिवेशन ऑफ वरायटी ऑफ स्पीसीज मिल रही है उससे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज को कल्टिवेट करने से ज्यादा मिल रही है, दैट इज डेवलप बाय द फॉरेस्ट प्लांटेशन। सो इंडिया इज वन अमंग द, ये क्वेश्चन अच्छा है एमसीक्यू के लिए, इंडिया इज वन अमंग द 15 नेशंस दैट आर रिच इन स्पीसीज डायवर्सिटी। तो पहले 15 में अपनी इंडिया आती है कि जिसमें वरायटी ऑफ स्पीसीज है, तो ये आया स्पीसीज डायवर्सिटी। अब तीसरा लेते हैं देखो इकोलॉजिकल, तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल देखो जियोग्राफिकल इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, फिर उसके बाद एयर इकोसिस्टम है, मतलब हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में सोचेंगे, डेजर्ट इकोसिस्टम है। तो ऐसे सारे एक एक लोकेशन वाइज ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, देखो यहाँ पे दिया है इन इंडिया वी कैन फाइंड अ ग्रेट वराइटी ऑफ इकोसिस्टम, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, एस्टुराइन, मतलब जहाँ पे फ्रेश वाटर और मराइन मैटर कंबाइन होगा, एस्टुराइन, वेटलैंड, ग्रासलैंड एक्सेट्रा। द वेस्टर्न घाट शो द ग्रेट इकोसिस्टम डायवर्सिटी, वेल रीजन्स लाइक लडाख एंड रान ऑफ कुच डू नॉट शो द वेरिएशंस वी ऑब्जर्व इन द वेस्टर्न घाट्स। उन्होंने वही कहा है कि जो वरायटी हम लोगों को वरायटी ऑन बेसिस ऑफ इकोसिस्टम है। तो देखो इस पे ना 3 मार्क का क्वेश्चन, या तो पहले वो क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज बायोडायवर्सिटी एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, तो ये हम लोगों का ये क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद क्या पैटर्न है बायोडायवर्सिटी के, तो उन्होंने दो मेन पैटर्न लिए है, वन इज लैटिट्यूडनल पैटर्न एंड सेकेंड वन इज अल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट, नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, पहले लैटिट्यूडनल अल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट एंड सेकेंड वन इज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो देखो यहाँ पे ये सेकंड है, तो दो ही हम लोगों को याद रखने, एक लैटिट्यूडनल याद रखो और दूसरा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो लैटिट्यूडनल का मीनिंग क्या दिया है देखो, तो ये टाइप्स आ गए, पैटर्न्स आ गए कि इकोसिस्टम किस तरह से अरेंज होती है। तो लैटिट्यूडनल में कहा है द इकोलॉजिकल स्पीसीज हैव रिवील्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म अराउंड द ग्लोब। तो पूरे अर्थ पे जाएंगे तो सब स्पीसीज का जो रिचनेस है वो सेम नहीं है। हम लोग यहाँ पे बार्ली को खाते ही नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्री में बार्ली के अलावा ब्रेड बनता ही नहीं। ओके लास्ट 10 मिनट्स, थैंक यू। तो ये जो बार्ली स्पीसीज है वो इंडिया में नहीं है, लेकिन फिर इंडिया में कौन से स्पीसीज ज्यादा है, इंडिया में हम सबसे ज्यादा क्या लेते हैं, वीट है, जोवार है एक्सेट्रा। एक्चुअली वीट भी इंडिया का नहीं है, मेक्सिको कंट्री से हमने उसे इंपोर्ट करके, स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन आपको मालूम ही होगा, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और स्वामीनाथन, उन्होंने यहाँ पे जो हमारी पुअर नेचर माल न्यूट्रिशन हो रहा था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में इस प्लांट्स को यहाँ पे सक्सेस किया। तो वहां पे दिस इज कॉल्ड एज ए लैटिट्यूडनल, मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैरायटी इज नॉट यूनिफॉर्म अराउंड द ग्लोब, द स्पीसीज रिचनेस, वो स्पीसीज की क्वांटिटी ज्यादा होना, दैट एक्सिबिट्स द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। जैसे मराठी मध्ये सांगू का तुम्हाला, जसं कर्क वृत्त म्हणा, मकर वृत्त म्हणा, अर्थ मध्ये येतं ना इक्वेटोरियल प्लेट म्हणणार तुम्ही, मग तो दॅट ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज अ लॅटिट्यूडनल ग्रेडियंट।
For many plants and animals, it has been observed that species richness is higher at lower latitude and there is a steady decline towards the pole. मग जसं नॉर्थ पोल आणि कोणता पोल जाणार तुम्ही साऊथ पोल, तर टू द नाऊ नॉर्थ एंड साऊथ पोल मे वो धीरे 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 कम होता जाएगा, तो वर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आएगा ना, तो वहां पे कैसे प्लांट ग्रो होंगे? अंटार्कटिका और आर्कटिक जोन में प्लांट हमें मिलते ही नहीं है. तो इट इज सो सिंपल. तो लैटिट्यूडनल आप सबको समझ में आया, जस्ट मुझे रिप्लाई करो. पैटर्न समझ में आ रहा है कि प्लांट को किस तरह से अरेंज किया है, बायोडायवर्सिटी किस तरह से है. पहले बायोडायवर्सिटी के दो तीन टाइप हुए, ओके. हाँ, अब लैटिट्यूडनल ये आपको सबको क्लियर हुआ. जैसे हाई लैटिट्यूड और लोअर लैटिट्यूड कहेंगे, टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ कहेंगे, मराठी मध्ये म्हणायचं तर विषुववृत्त, कर्कवृत्त, मकर वृत्त, त्या झोन मध्ये अरेंजमेंट ऑफ प्लांट स्पीसीज. नाउ नेक्स्ट वन देखो, तो द फॅक्टर्स लाइक ओव्हरऑल फॅक्टर्स लाइक ओव्हल और स्टॅबिलिटी ऑफ ट्रॉपिकल रिजन फॉर मिलियन ऑफ इयर्स, लेसर क्लायमेटिक चेंजेस थ्रू आउट द इयर एंड अवेबिलिटी. तो ये स्पीसीज की वजह से स्पीसीज चेंज होती है. क्या होता है वो? लैटिट्यूडनल कंडीशन से जहाँ पे प्लेंटी ऑफ सनलाइट है दैट फेवर द स्पेशिएशन, तो वहां पे ज्यादा स्पीसीज कल्टिवेट होंगे, जहाँ वहां पे ज्यादा ग्रोथ हो जाएंगी. फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ क्या दिया है, सच स्टेबिलिटी ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर माइट हैव फेवर्ड द स्पेशिएशन. तो वो स्पीसीज कंटिन्यू होती है और फिर वो स्पेशिएशन होता है, फिर वो जीन फ्लो आता है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है उसका, तो एक पर्टिकुलर एरिया में वो स्टैम्पिंग बनता है. हाँ, ये इंडिया मतलब इस तरह से इसका कंडीशन है, इसको हमें इस तरह से ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज मिलेंगे. साइंटिस्ट आल्सो हैव कंसीडर अवेलेबिलिटी ऑफ मोर इंटेंस सनलाइट, वार्मर टेम्परेचर, हायर एनुअल रेनफॉल इन अ ट्रॉपिक्स एज अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाउंटीफुलनेस ऑफ दिस रीजन्स. तो साइंटिस्ट ने और भी देखे कि इसमें ये वैरायटी क्यों आ रही है, तो वैरायटी होने के पीछे उसका क्या क्या रीजन है. तो उसके पीछे जो रीजन है वो उन्होंने क्या सोचा कि दिस वैरायटी ऑफ रीजन दैट इज ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन. सो इन शॉर्ट देखो, नीचे बहुत अच्छा पॉइंट है. इन शॉर्ट द स्पीसीज रिचनेस और डाइवर्सिटी फॉर प्लांट एंड एनिमल डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स. तो हमने पहले भी बोला कि टू द पोल हम जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्लांट स्पीसीज कम होंगी, एनिमल स्पीसीज कम होगी. तो ये ज्यादा कहाँ पे है? इट्स मैक्सिमम इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दैट इज इन अमेजॉन रेन फॉरेस्ट. नियरली कितना दिया देखो, 40,000 प्लांट स्पीसीज है, 1,300 बर्ड स्पीसीज है, तो 427 मैमल्स है, मैमल मतलब रैट, कैट, डॉग से लेके ह्यूमन तक, एंड मेनी 3,000 स्पीसीज है. तो ये वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा है. अब नेक्स्ट वन, उसे में लैटिट्यूडनल एंड एल्टीट्यूडनल कहा है ना, तो इट स्पीक्स द हाइएस्ट फॉर्म मीन सी लेवल. तो यहाँ पे लैटिट्यूडनल क्लियर होगा तो एल्टीट्यूडनल आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा. द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज मोर और लोअर एल्टीट्यूड देन एट द हायर एल्टीट्यूड्स. इट इज बिकॉज एट हायर एल्टीट्यूड द चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन. तो हायर एल्टीट्यूड पे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगा, दैट इज ड्रास्टिक सीजनल वेरिएशन से, एंड दैट लीड टू डिक्रीज इन द स्पीसीज डाइवर्सिटी. तो ये दो कंडीशन दिए और कंडीशन की बेसिस पे बायोडाइवर्सिटी मिलती है. अब मेन ये भी है देखो, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप. तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट दे ट्राई टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज डाइवर्सिटी. तो साइज इसका अच्छा एग्जांपल्स हम लोग बोलेंगे ना, तो ये पेंगुइन, हाँ पेंगुइन है ना, वहां पे कौन सा मुंबई में एक ये है रानी रानी रानीचा बाग मानता तला, वहां पे पेंगुइन चलाए थे, मालूम है अभी भी है वहां पे, लेकिन बीच में दो तीन जन का, दो पेंगुइन्स का डेथ हो गया, उसका न्यूज़पेपर में भी इंफॉर्मेशन आया था अगर आपने किसी ने सुना होगा तो. तो हमने उसे एक्सपोर्ट करके एटमॉस्फेयर देके उनको कल्टीवेट किया, उनको ग्रो किया और उनका रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश की. तो दैट इज, यहाँ पे देखो, इट इज कंसिडर्ड द नंबर ऑफ द स्पीसीज प्रेजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. तो नंबर ऑफ स्पीसीज जो पर्टिकुलर, हाँ यस दीक्षा ने सुना है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पर्टिकुलर एरिया है, सपोज यहाँ पे एक पर्टिकुलर बोईसर एरिया है, बोईसर एरिया में 100 वैरायटी ऑफ बनियान ट्री है. तो ये बनियान ट्री की कैलकुलेशन हमने क्या की, बोईसर एरिया इतना स्क्वायर फुट एरिया है और इसमें इतने इतने प्लांट्स है. इट इज अंडरस्टूड दैट लार्जर एरिया मे हैव मोर सोर्स ऑफ प्लांट. तो जितना लैंड एरिया ज्यादा होगा उतने ज्यादा प्लांट्स होंगे, उतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे और उतने ज्यादा स्पीसीज होंगे. सो दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द इनहेबिटेंट स्पीसीज. डज दिस ऑलवेज होल्ड ट्रू?
लेकिन ये ऑलवेज ट्रू है क्या? नहीं, क्योंकि मुंबई में हम जाएंगे तो उसके उल्टे होता है. तो जर्मन नेचुरलिस्ट अलेक्जेंडर वैन हेम्बोल्ट ऑब्जर्व दैट द स्पीसीज रिचनेस डज नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द एरिया. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा नहीं होता कि द एरिया इंक्रीज हो गया है तो स्पीसीज इंक्रीज होंगे. कब इंक्रीज होते? बट अप टू अ लिमिट. उसको क्या क्या लिमिटेशन से? तो उन्होंने एक जो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, तो एरिया और स्पीसीज रिचनेस के बेसिस पे एक प्लॉट किया है, ग्राफ प्लॉट किया है, और उस ग्राफ का कैलकुलेशन प्लॉट दिया है. लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है, उससे भी मेन इंपॉर्टेंट है कि कंक्लूजन क्या निकला. कंक्लूजन क्या है? इट वेरी लार्ज एरिया नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इंक्रीज फास्टर देन द एरिया एक्सप्लोर्ड. तो जो एरिया एक्सप्लोर्ड हुआ है उस एरिया में जो स्पीसीज है वो स्पीसीज क्या होते हैं बताओ? इंक्रीज फास्टर. वो इंक्रीज नहीं होंगे एक्सप्लोर्ड एरिया में, वो कंपैरेटिवली लेस रहेंगे. जैसे मुंबई में ले लो, वहां पे नंबर ऑफ प्लांट्स और स्पीसीज का फास्ट ग्रोथ नहीं होगा. लेकिन जो एक्सप्लोर्ड नहीं है एरिया, फॉर एग्जाम्पल कौन सा एक्सप्लोर नहीं है, जैसे रानी का बाग जाएंगे हम, नेशनल पार्क जाएंगे, तो वहां पे प्लांट स्पीसीज की ग्रोथ रेट फास्ट होगी. तो जो एरिया ह्यूमन बींग से एक्सप्लोर किया गया है उसको एक्सप्लोजन दिया है, वो ज्यादा पब्लिकली ओपन हो गया है, तो देयर द स्पीसीज आर नॉट ग्रोइंग फास्टली. तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डायवर्सिटी टू द इकोसिस्टम. ये डायवर्सिटी क्यों जरूरी है? व्हाई वेरिएशन इज नेसेसरी? सुनो, अगर आपको मैं एक जस्ट कॉमन एग्जांपल बताती हूँ, अगर वेरिएशन नहीं होगा तो आपको वही चीज पसंद नहीं आएगी. उस फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, सपोज पोटैटो है, डे टू डे पोटैटो आपको खाने दिया जा रहा है और उसको नमक और मिर्ची डाल के दिया जा रहा है खाने को, तो आप कितने साल खाएंगे? 2 साल खाएंगे, 3 साल खाएंगे, 4 साल खाएंगे, 5 साल खाएंगे? फिर रोज रोज वही पोटैटो दिया जा रहा है आपको नमक और मिर्ची डाल के, तो आप बोलेंगे इसमें कुछ वैरायटी तो करो, कुछ तो वेरिएशन करो. और अगर वही पोटैटो चिप्स को ओनली फ्राई करके दिया तो भी चेंज आपको अच्छा लगेगा. वही पोटैटो को अगर आपको पोटैटो वड़ा बना के दिया वही अच्छा लगेगा. तो इसका मतलब क्या, ये वैरायटी और वेरिएशन किस लिए चाहिए? दैट इज द चेंज इन द लाइफ साइकिल. लाइफ में चेंज होना जरूरी है टू मेंटेन द वेरिएशन इन द स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म. नहीं तो वही कंटिन्यूटी रहेगी तो क्या होगा, देर मे नॉट बी वेरिएशन, देर मे नॉट बी इवोल्यूशन, वो स्पीसीज डीजनरेट हो जाएंगी. तो उनको भी यही क्वेश्चन पूछना है कि क्यों जरूरी है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डायवर्सिटी टू द इकोसिस्टम. तो देखो यहाँ पे, अ कम्युनिटी सेट टू बी स्टेबल इफ द एवरेज बायोमास प्रोडक्शन रिमेन्स फेयरली कॉन्स्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड द डिस्टर्बेंस एंड रिकवर क्विकली. इट ऑल्सो मस्ट बी रेजिस्टेंस टू इन्वेसिव स्पीसीज. तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि ये जो स्पीसीज है उस स्पीसीज की रिच डायवर्सिटी इंक्रीज कर सकते हैं. वो किस तरह से किया जा सकता है? लेक्चर गोइंग टू एंड इन फ्यू सेकेंड्स. तो एक लास्ट वन देखो, प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस. तो रिच डाइवर्सिटी लीड्स टू द लेसर वेरिएशन इन बायोमास प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये यहाँ पे ओके, लेक्चर खत्म होने जा रहा है तो कल मैं इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन इसको टाइम लगेगा लगता है. ये लेक्चर लेक्चर खत्म होने के बाद है ना, ये लेसन और वो पीछे वाला 14 वाला खत्म होने के बाद हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे या तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें इतना टाइम जाएगा तो अफोर्ड नहीं कर सकती. मैं एक काम करती हूँ, आप लोग एक काम करना, ये टॉपिक आप पढ़ लो और उसके बाद बायोडायवर्सिटी